अच्छा, ये गणेश जी का है, ये गणेश जी का है। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? कौन, ये साल भर का, साल भर। एक सीट में दो न्यूक्लियस डालते हैं तो दो मोती निकलता है, हजार हजार के हिसाब से 2000 आ जाता है। एक हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ विप्लव सुमन और आप लोग का स्वागत करता हूँ फिर से एक नए वीडियो में। आज मैं आया हूँ अपने एक गांव के फार्म में, जो कि ट्रेनर है वो ट्रेन करते हैं मशरूम कल्टीवेशन से लेकर के वर्मी कंपोस्ट। ये आप देख सकते हो, ये ऑटोमेटिक रेन गॉज भी लगा रखे हैं अपने फार्म पे। ये आप पल का खेती करते हैं तो इसको कैसे करते हैं एक बार बताइए। ये तो लोकल लोकल जो पॉन्ड होता है बिहार के अंदर जी, उससे ओएस्टर को कलेक्ट किया जाता है जी। उसके बाद इसको ट्रीट करते हैं जी में, ताकि इसके ऊपर जो इंट्रोपैरासाइड है खत्म हो जाए जी। इसके बाद हम लोग इसको इसको थोड़ी देर के लिए डालने के बाद जब टेम्परेचर 20 से 22-23 डिग्री रहे उस पीरियड में हम इसको ऑपरेशन करते हैं जी। ऑपरेशन करने के बाद इसमें हम एक न्यूक्लियस डालते हैं जी, जिस आकृति का हम न्यूक्लियस डालेंगे ना जी, उसी टाइप का हमें निकलेगा। अच्छा, ये गणेश जी का है, ये गणेश जी का है, ये डाला हुआ था जी, उसमें से रिजेक्ट हो गया जी, वो निकला हुआ किसी कारण से मर गया, वो डेथ कर गया। हाँ हाँ, तो उसी को निकाल के रखे हुए इसको हम डालते हैं जी। साल भर इसको देखभाल करते हैं, इसी तरह से फव्वारा सिस्टम लगा हुआ है, ऊपर में 50% का नेट लगा हुआ है बगल से गर्म हवा से बचाने के लिए जी। ये हम डाल दिए हुए हैं, जूट की बोरी डाल दिए हैं, इसे पानी चलते रहता है। यहाँ क्या थोड़ा सा सिस्टम अच्छा ये है कि यहाँ ऑटोमेटिक पानी जाते रहता है, इसमें से घर से जब मोटर चलता है ना तो हमेशा पानी जाते रहता है जी जी। जितना पानी यहाँ जाता है उतना पानी यहाँ से निकलते रहता है हमेशा, और इसमें जो अमोनिया जितना भी बनता है अमोनिया नीचे से निकल करके ड्रिप पाइप से एक केला में चला जाता है। अच्छा, केला में अमोनिया जाने से केला का बढ़ोतरी बढ़वाट भी ज़्यादा हो जाता है, और यहाँ पर उसी का इसमें भी आता है, और ये अमरूद अमरूद में भी आता है अमोनिया वाला पानी। इसकी वैरायटी सब देखिए कितना अच्छा क्वालिटी सब है जी। ये आपका एक एक 400-500 ग्राम का एक एक अमरूद निकलेगा, 600-700 ग्राम अभी एक महीने ही, हाँ बड़ा बड़ा निकलेगा, टेस्टी भी निकलेगा जी, और ऑर्गेनिक कोई भी वेस्ट का यूज हो जाता है पूरा। ये कितने दिन में तैयार हो जाता है? कौन, ये साल भर का, साल भर का, 12 महीने का। और एक सीप कितने में बिकता है? मतलब एक सीप में दो न्यूक्लियस डालते हैं तो दो मोती निकलता है, हजार हजार के हिसाब से 2000 आ जाता है एक सीप का, दो कुल मिला करके उसमें 100-200 खर्चा आता है जी, 1800 का मार्जिन आ जाता है एक सीप का। इसमें जो हमारा ये है ना, इसमें हम 200 डाले हुए हैं। अगर कोई किसान स्टार्ट करना चाहे तो वो कितने बड़े से स्टार्ट कर सकते हैं? छोटा से करे, इसी टाइप से करे, हाँ। उसको कितना ये इन्वेस्टमेंट लगता है? इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं है इसमें, तो सब कुछ लोकल मिलता है। किसान अगर उस पर पैसे नहीं लगाना चाहे तो बिल्कुल आसानी से हो जाएगा। एक सीप को तैयार करने में वैसे 60-70 रुपये लग जाता है। और मार्केटिंग इसका कैसे होता है? मार्केटिंग क्या, यहीं से सब हम लोगों ने करीब में ही पुपड़ी में इसका यूनिट डाल रहे हैं, उसका काम स्टार्ट है। ओके, इसका डाल रहे हैं, वहीं पर इसका प्रोसेस हो जाएगा, ये लॉकेट बनाया जाएगा जी। मतलब ज्वेलरी वाले इसमें जाते हैं? ज्वेलरी वाले भी हमारे टीम में, सब कुछ हम लोग अपने में सिस्टम में डाले हुए हैं। ये हमारा देखो सॉइललेस है। इसमें वो खाद बन, इसमें क्या है कि ये मशरूम का जो वेस्टेज है ये बोरा में डाल दिया जी, ऐसे 50% गोबर वगैरह डाल दिए और मिर्ची लगा दिए। और जिसके पास अगर शहर में नहीं रहता तो वो कोकोपीट भी खरीद सकते, कोकोपीट भी अपना डाल लेते हैं, वो सॉइललेस ही सॉइललेस कर सकते हैं। तो रिसोर्स फ्री है, जो रिसोर्स है उसका यूज हो रहा है, यूज कर देते हैं। और देखिए कितना अच्छा प्लांट है जी, इधर ये देखिए साजन का प्लांट जी, PKM2 वैरायटी, ये PKM2 वैरायटी साजन का प्लांट है, मेडिसिनल है जी। वर्मी कंपोस्ट का खाद भी बन रहा है, तैयार भी हो रहा है, और ऊपर से सब्जी भी निकल रहा है, पानी भी पाइपलाइन से जा रहा है, इसमें भी ड्रिप लगा हुआ है। वर्मी कंपोस्ट में भी पूरा मेरा ड्रिप लगा हुआ है, लोग इसमें ज़्यादा स्प्रे ना लगाते हैं लेकिन मेरा ड्रिप लगा हुआ है। उधर भी 6 बेट उधर है, 6 बेट 12 है और 8 बेट पक्का वाली है। फिर इसका वर्मी कंपोस्ट का कहाँ सेल करते हैं? ये लोकल ही बेचता है, लोग हैं उन लोगों को हमने इकट्ठा कर लिया है जी। तो अगर एक ट्रक का ऑर्डर हुआ तो फिर 15 दिनों का टाइम लेते हैं, फिर सब जगह से कलेक्ट करके उनको दे देते हैं। तो ये जो वर्मी कंपोस्ट बन रहा है ना, इनरिच है, इनरिच
ये इनरिच है, इसमें है क्या, राइजोबियम पीएसवी ट्राइकोडर्मा, इस सब में डाल देते हैं। यहाँ से डाले पाइपलाइन से सब में ऑटोमेटिक चारों ओर फैल जाता है। तो उसमें जो खाद हमारा तैयार होता है उस खाद में वो सब मिला हुआ होता है। तो अन्य खाद आप नहीं भी देंगे तो चलेगा, हाँ जो चलेगा। और भूमि का करेक्टर, सॉइल का करेक्टर, आप देख सकते हैं सारे रिसोर्सेज का यूज हुआ है। ये आप रद्दी टायर है जो कि आसानी से मिल जाता है किसी भी जगह पे, जहाँ पर मैकेनिक काम करते हैं वहाँ पे फेंका रहता है, और इसका ये यूज करके बहुत ही अच्छा है। इसमें साग धनिया उनिया ये सब डालते रहते हैं जी। पूरा ऑर्गेनिक फार्म है, इसमें थोड़ा भी यूज नहीं होता एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर। मिर्च का लाइन है, उधर बासमती चावल का बीज गिरा हुआ है, कल ही आम टूटा है, आम जितने पत्ते हैं उतने आम थे, बीच में नींबू है, वो पूरा सतावर है, पूरा जी वो सतावर है। ये सतावर देसी है और वहाँ पर सतावर है जो फिर नई तरीके का आया है वहाँ से लखनऊ से, सिमैप लखनऊ से, वो सतावर वहाँ लगा हुआ है। मिट्टी इसमें जो है सो सीड भी सीड को ट्रीट कर सकते हैं, पर फर्टिलाइजर भी मिक्स कर सकते हैं, और हम मिट्टी और खाद को भी मिलाते हैं इसे। ये आप देख सकते हैं इसमें ऐसे ना फेटेडिया केचुआ, केचुआ कैसे किलो मिल जाता है? हम तो फ्री देते हैं, फ्री देते हैं, हम फ्री देते हम खरीद के लाए थे, लाते हैं नहीं देते फ्री। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा वैरायटी का ये केचुआ है। देखिए यहाँ विसर्जन, पिछले साल बार लग गया था तो मर गया जी, और देखो सो अपने आप फिर निकल रहा है, क्लाइमेट मिला है निकल रहा है। TKM2 सहजन है, मुड़िंगा इसको बोलते हैं, मुड़िंगा बोलते हैं, ड्रोमेस्टिक भी बोलते हैं। इसका हमने सीड तैयार किया है, सीड हमारे पास, उसी सीड से फिर हम नर्सरी तैयार करते हैं जी, और सप्लाई भी देते हैं, और हम अपने प्लांट भी इसको लगाएंगे भी। फंगस सही बड़ा है, बीमारी का नाम जो है वो तो आप लोग समझेंगे, लेकिन फंगस है और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम, कॉजल ऑर्गेनिज्म जो है वो फंगस है। हाँ हाँ वो है, और न्यूट्रिशन प्रॉब्लम की वजह से इस पर इफेक्ट ज़्यादा होता है। अगर ये मजबूत रहे ना तो इस पर इसका इफेक्ट कम होगा, यानी कहीं ना कहीं इसका मेंटेन ठीक से नहीं हुआ है इसी वजह से। हाँ तो अब इसकी पहले इसकी साफ सफाई कर देते हैं, उसके बाद इसकी देखभाल स्टार्ट कर देते हैं, एक दो महीनों में सब सही हो जाए। और ये सब जितने भी प्लांट, ये सब जितने भी है ना, इसको हम तोड़ के हटा करके बर्मी कंपोस्ट में जाने देंगे या जला देंगे, बाद माकी पर हम एंटी फंगल और एंटीबायोटिक का प्रयोग 10 दिनों के अंतराल पर करेंगे।